रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामनवमी कई मायनों में ऐतिहासिक होगी। करीब 500 साल बाद रामलला का भव्य जन्मोत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। रामनवमी का खास आकर्षण रामलला का सूर्य तिलक होगा। इसी क्रम में रामनवमी के दिन रामलला के जन्म की घड़ी दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य की रश्मियों से रामलला का अभिषेक यानी सूर्य तिलक होगा। सूर्य की किरणें करीब 4 मिनट तक रामलला के मुखमंडल को प्रकाशित करेंगी। ये सर्कुलर सूर्य तिलक 75 मिलीमीटर का होगा। इसी रामनवमी को रामलला का सूर्य तिलक करने की तैयारी में वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। राम मंदिर में उपकरण लगाए जा रहे हैं, जल्द ही इसका ट्रायल भी किया जाएगा। दरअसल भगवान राम सूर्यवंशी माने जाते हैं, ऐसे में राम मंदिर के निर्माण के समय ये प्रस्ताव रखा गया था कि वैज्ञानिक विधि से ऐसा प्रबंध किया जाए कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधा राम लला की मूर्ति पर ऐसी पड़े जैसे उनका अभिषेक कर रही हो। इसके लिए रुड़की के सेंट्रल बिल्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने मिरर लेंस और पीतल के प्रयोग से एक अनूठा सिस्टम बनाया है। इसके लिए किसी बैटरी या बिजली की जरूरत नहीं होगी। सूर्य की रोशनी तीसरे फ्लोर पर लगे पहले दर्पण पर गिरेगी और 3 लेंस और 2 अन्य मिरर से होते हुए सीधे ग्राउंड फ्लोर पर लगे आखिरी मिरर पर पड़ेगी। इससे रामलला की मूर्ति के मस्तक पर सूर्य किरणों का एक तिलक लग जाएगा। ये 2 से 3 मिनट तक रामलला के माथे पर रहेगा। वहीं इसको लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के संयोजक चंपत राय ने कहा है कि वैज्ञानिक इस अनूठी घटना के लिए सावधानी पूर्वक तैयारी कर रहे हैं। राम मंदिर में उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं और परीक्षण के लिए तैयार है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस साल ही रामलला का सूर्य तिलक करेंगे। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की इसके लिए शीशा लेंस और पीतल का इस्तेमाल करेगा। बैटरी या बिजली से रहित ये प्रणाली रामनवमी के दिन भगवान राम को दिव्य तिलक प्रदान करेगी।